अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, प्यार असलाम प्यारी प्यारी बहनों को, प्यार भर असलम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके शुरू करते हैं आज की एक नई डिश, जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कहा कि आज आप लोग एक चेंज मतलब बता के दिखाऊँ। जिस तरह से हम लोग गोश्त के लिए बनाते हैं, इसे दालों को भी वैसे बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल बहुत अच्छी भगार के साथ। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि आज मेरे मेड भी आते हैं, काम हो रहा होता है, तो मैंने कहा कि टाइम बहुत हो जाएगा, मैं ऐसा करती हूँ, मैंने चने की दाल को ये देखें बॉईल करने को रख दिया था और दाल बहुत अच्छे से गल गई है। जैसे हम लोग मोस्टली गोश्त गला के रख लेते हैं और फिर उसके अंदर मसाला मैरिनेट करके डालते हैं, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं दाल भी गला के रख लिया मैंने। अब जब सारा काम हो गया तो मैंने कहा आपके सामने उसकी जो मैं भगार और मसाला डालूँगी वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो ये देखें कि मैंने पैन में 8 से 9 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, हाफ कप से थोड़ा कम ही होगा, और एक प्याज मैंने बड़ी लेके उसको स्लाइस में काट के मैं आपके सामने भी फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, ये फ्राई होगा। तो मैंने कहा कि आज मैं ऐसा करते हैं, जैसे अक्सर हम लोग गोश्त गला के रख लेते हैं और बाद में मसाला बनाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा होता, बहुत मसरूफ होते हैं, घर में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो हम लोग गोश्त गला के रख लेते हैं। चिकन का मसला नहीं होता, लेकिन बीफ और मटन में मसला होता है। तो मैं ये प्याज मैंने कहा कि आज मैंने चने की दाल बघार वाली बहुत अच्छी मैं ये बना रही हूँ, और दाल मैंने उबाल के बहुत अच्छी गला के रख ली। मैंने कहा कि अब मैं सारे मसाले और जो भी मुझे उसमें डालना मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि फिर मैं दाल को कैसे बघार लगाऊंगी और इसके उसके टेस्ट को दुबाला करूंगी। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो बस यही सिलसिला चल रहा है। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ये बनाती हूँ आपके सामने, तो मैं सारे मसाले भूनूंगी, बहुत अच्छा भून के फ्राई करके फिर इसके अंदर मैं चने की दाल में बघार डालूंगी, यानी कि बहुत अच्छी तड़का कह दीजिए आप। तो दाल में तो जितना अच्छा तड़का डालो उतना मज़ेदार होता है। तो मैंने इसके लिए सारे मसाले रख लिए हैं, प्याज फ्राई कर रही हूँ, टमाटर काट के रखा, हरा धनिया है, कड़ी पत्ते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, क्यूमिन पाउडर है, लाल मिर्च पिसी हुई है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला और हल्दी, ये सब स्टेप बाई स्टेप मैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालूंगी। जब तक प्याज फ्राई होती है मैं ये सारी चीज़ें रेडी करती हूँ। तो फिर इनमें ढक्कन भी खोलो तो टाइम लगता है, तो मैंने कहा मैं सब आपके सामने आज ये बघार करती हूँ। बनाना बहुत आसान है, चने की दाल तो बहुत फेवरेट होती है, मोस्टली मेरे ख्याल में 90% लोगों को फेवरेट है, हमारे घर में ये सब बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा कि आप प्लेन चावल, रोटियाँ, चपाती, सलाद, चटनियों के साथ आज ये चने की दाल बनाते हैं। तो ये देखिए अभी जब तक प्याज फ्राई होती है मैं इसको फिर आपके साथ बनाती हूँ। तो इस तरह से आप मूंग मसूर की दाल भी उबाल के रख सकते हैं कि उबाल के रखा हुआ है, जब कोई मेहमान आ गया आपने फटाफट जल्दी से आपने दाल को बघार लगाई और मेहमानों के लिए बना के रख दिया, तो इस तरह से आसानी होती है। तो और हमेशा की तरह मैं हमेशा यही कहती हूँ, खाना दिल से बनाएं और बहुत सोच के बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाएंगी तो खाने में बहुत लज्जत आता है। ये देखिए अभी प्याज फ्राई हो रही है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब मुझे क्या करना। अब देखिए प्याज फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या लवाजमात डालने, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालना वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले अदरक लहसुन, क्योंकि दाल उबालते हैं मैंने 1 चम्मच डाला था, और थोड़े से अदरक लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें, और इसके साथ इसमें मैं टमाटर भी काट के रखा था वो डाल, इसके मसाले में डाल दिया, टमाटर को मुझे सॉफ्ट करना है, ठीक है, जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होंगे तभी बचा मसाले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जले नहीं मसाला। अब देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक मैंने टमाटर को बनाया, अब मैं सारे मसाले बारी बारी डालती हूँ, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, ये देखिए 1 स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, अच्छा मैंने इसके अंदर क्यूमिन पाउडर डाल दिया, इससे बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा तोता कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए ताकि इसकी बघार बहुत ज़बरदस्त बने, अच्छा अब मुझे डालना है इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई, ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा सा तेज़ खाया जाता है, धनिया पाउडर,
और इसको इस सारे मसाले में भून रही हूँ। ये गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाल दिया और थोड़ी सी ये हल्दी। अब इसको मसाले को बहुत अच्छा भूनूंगी मैं। भूनने के बाद इसमें दाल मिक्स कर दूँगी। मज़े का ये बनती है दाल, और मौसम के हिसाब से दाल तो मेरे ख्याल में चने की दाल सबको समझ में आती है कितने मज़े की होती है। ये देखिए मसाला मैं भून रही, जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा इसका मतलब कि मसाला हमने बहुत अच्छा बना दिया। फिर इसमें मैं जाके दाल मिक्स कर दूँगी। तो आपने अगर अभी तक मेरे व्यूअर्स ने, मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने, प्यारे 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 व्यूअर्स ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। और हमें अपनी दुआओं में अल्लाह ताला हम सबको अपने दस्तरखान को हमारे सजा के रखे, बरकत दे, खुशियाँ दे, सुकून दे, अपने बाल बच्चों से हमारे मुल्क में हम मेहमान हो, हमारे बच्चों से हमें खुशियाँ। जब मैं ये मसाले को भून रही हूँ, जब ये बहुत अच्छा भून जाएगा तो फिर मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए मसाला कितना अच्छा मैंने भून लिया है, इतना अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इसमें तेल ऊपर आ चुका है जो उस मसाले के तैयार होने की निशानी होती है। अब मैं इसके अंदर चने की दाल मिक्स करती हूँ और फिर इसमें हरा धनिया डालूँगी। इसकी खूबसूरती इसमें जो आ जाती है, गार्निश करते हैं जब हम धनिया से। इत्तेफाक ऐसा है कि अभी मेरे पास हरी मिर्चें नहीं है और यहाँ से मुझे मंगाना भी आसान नहीं है। अब मैं इसके अंदर दाल मिक्स करती हूँ आपके सामने। ये देखें कि दाल मैंने उबाल के रखी थी थोड़े से, मैंने उसके साथ रखी है ग्रेवी के साथ। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा ये बनाऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है। देखिए ताकि इसके अंदर भी मैं चूल्हे में थोड़ा सा इसको मसालों के साथ ही बनाऊंगी ताकि सारा मसाला जो है वो दाल के अंदर रच बस जाए। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो बनाने में आसानी में, जिस दिन आप काम में मसरूफ हो जाते हैं तो आप चीज़ों को गला के रख लीजिए। मैंने सिर्फ एक चम्मच लहसुन डाल के मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया था। इन बिटवीन मैंने क्या किया, मैं काम कर रही थी। जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने कहा मैं इसमें मसाला बघार के बना के डालती हूँ, इसकी बघार बहुत अच्छी बनाती है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं ग्रेवी इसलिए रखूँगी कि ताकि जिसको रोटी के साथ खाना है वो रोटी के साथ खाए। और ये देखिए कितने अच्छी ये तैयार हो गई। अब थोड़ा सा इसके अंदर ये बॉईल हो जाए तो फिर ताकि सारा मसाला जो मैंने इसके अंदर डाला है इन दालों के साथ भी मिक्स हो जाए। जब हम दाल बनाते हैं तो पहले मसाला भून के दाल डाल देते हैं तो वो दाल और मसाला साथ बनता है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसको बहुत पहले गला के, अब इसको हल्की आँच में 5 मिनट तक ऐसे बनाती रहूँगी। ये देखिए उसके बाद मैं इसको गार्निश करती हूँ। वो कहते हैं ना खाने को बहुत अच्छा सजा के और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपका खाना खाने को भी दिल चाहता है और जब दिल खुश हो जाए तो वो खाना भी मज़ेदार लगता है। ये देखिए अब मैं खाने को, ये देखिए बहुत अच्छा तैयार हो चुकी दाल मेरी, चने की दाल बघार वाली, स्पेशल बघार डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी इसके ऊपर ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे देखने में। ये देखें इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। और दाल तैयार हमारी, तो ज़रूर बनाइएगा और हमेशा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफिज़।